फोल्ड करना चाहिए और हमारी रियासत को उनके खिलाफ जल्द से जल्द शदीद किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। अपने भगवान बचा लेंदा सीता भगवान इतने बैठा मैं मां चौदह 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 भगवान के चौगारी दे भगवान के अस्सलाम वालेकुम पाक 360 के साथ मैं हूँ शिफा जमान। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो न्यूज़ डिटेल आपको मेन स्ट्रीम में नहीं मिलती वो हमारे चैनल के ज़रिए आप तक पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो कि ट्विटर ट्रेंडिंग पे है, बड़ा ही तकलीफ दा वाकया हमें नज़र आ रहा है। उस पर सबसे पहले तो मैं हिंदू कम्युनिटी के आगे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहैसियत मुसलमान उनसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा दीन मुझे दर्स नहीं देता कि दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की दिल आज़ारी की जाए। और साथ ही उन मुसलमानों की तरफ से भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो हमारे दीन को, हमारे दीन इस्लाम को समझते हैं, हमारे दीन इस्लाम को जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले तो जो ट्रेंडिंग में जो हैशटैग है वो ये है कि अब्दुल सलाम दाऊद, अब उस बंदे को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। अब इस बदबخت बंदे ने किया क्या है उस पर बात करते हैं। थरपारकर का इलाका है, वहाँ पर एक मासूम कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 के दरमियान है, उस बच्चे को ये बदबخت शख्स पकड़ कर, उसके गिरवान से पकड़ कर उसे ज़बरदस्ती एक लफ्ज़ बोलने को कह रहा है और आराम से नहीं, नरमी से नहीं, बल्कि उसको थप्पड़ मार रहा है, उसके गिरबान से पकड़ कर उसको गालियां दे रहा है, उसको झटके दे रहा है और उसको क्या कह रहा है, अल्लाहु अकबर बोलो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको कह रहा है कि अपने भगवान को गालियां भी दो। क्या ये शर्मनाक हरकत नहीं है? ये कहाँ के मुसलमान हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं? किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? क्योंकि हमारा दीन तो इस चीज़ का दर्स देता ही नहीं है हमें। मज़ीद जब मैंने इस बदबخت शख्स की इसके साथ बदबخت लफ्ज़ लगाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसने जो हरकत की है उस मासूम बच्चे के साथ, जब वो मासूम बच्चा माफ़िया भी मांग रहा था ना, तो इसने आगे से उसको मजीद गालियां देना शुरू कर दिया। हाँ, पांच भगवान के चौगारी दे, पांच भगवान के गारी दे, बहन जी माँ जी दे गारी, बोल तेरा भगवान बहन चोद है, अल्लाह अकबर बोल, बहन चोद। पाकिस्तान में गंद डाल रखा तुम लोगों ने। अच्छा, इस बंदे की जब मज़ीद मैंने डिटेल निकाली तो इसकी कुछ वीडियोस मेरे नज़रों के सामने आई जिसमें ये पता चला कि ये बंदा जो है ये पहले से कुछ ऐसी वीडियोस बनाता था जिसमें ये हिंदू कम्युनिटी को बहुत ही बुरा भला बोलता था, बहुत ही गलीज लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करता था। पहले से ही इसकी काफ़ी ऐसी वीडियोज़ सामने आई जिससे पता चलता है कि किस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट बंदा, कह लें कि इस किस्म का बंदा है जिसका हमारे मज़हब से, हमारे मुस्लिम मज़हब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक। अपने भगवान नु बचा लेंदा सीता नु भगवान इतने बैठा से तोड़ा बैठा तोड़ी मैं मां तो 11 साल उसी रख के अपने कोड़े इन्ना की जा श्रीलंका इन्ना की छोटा है। तो इस पर मैं दोबारा हिंदू कम्युनिटी से बहुत शर्मिंदा हूँ और थरपारकर पुलिस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शख्स को गिरफ्तार किया और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि इस शख्स को जल्द से जल्द सज़ा भी दी जाएगी। मज़ीद इसकी FB ID फेसबुक ID के बारे में बात करते हैं जहाँ जब मैंने विज़िट किया तो बड़ा ही हैरान कुन मुझे कुछ देखने को मिला, आप भी चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर इसने लिखा ये था कि माई ऑनर इज़ अल्लाह, माई लीडर इज़ मोहम्मद एंड माई पाथ इज़ होली कुरान फॉर होल लाइफ। हालांकि इसने जो हरकत की है ये बिल्कुल हमारे दीन के ख़िलाफ़ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है,
उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं उसके भी बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हमें बिल्कुल इस किस्म का दर्स नहीं दिया गया। इस शख्स ने जो हरकत की है वो वाकई बहुत शर्मनाक है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस शख्स को मैं क्या कहूँगी। साथ ही साथ हरपारकर पुलिस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं ये हमारे माइनॉरिटीज़ को बताना चाहती हूँ, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी के हों, हिंदू कम्युनिटी के हों, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हैं वो आज़ाद हैं। इस किस्म के मेंटालिटी रखने वाले लोग, गलीज मेंटालिटी रखने वाले लोग जो हैं, ये अपने आप को नाम के मुसलमान तो कहते हैं लेकिन इनका मुसलमानों के आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक। और थरपारकर पुलिस ने जबकि इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है ताकि हमारी जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये एहसास हो सके कि वो बिल्कुल हिफाजत में है, इस मुल्क में बिल्कुल तहफ्फुज़ का उनको एहसास हो सके। और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि इस किस्म के जितने भी लोग हैं ना, उनको छित्रोल पड़ना चाहिए, और हमारी रियासत को उनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द शदीद किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर में मैं सोशल मीडिया की बात करूँगी। सोशल मीडिया ने इस पर जो आवाज़ उठाई, ये जो तफरीक जो थी इसको ना रखते हुए, बग़ैर तफरीक किए सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई, उसको देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, और ये पता चलता है कि हमारे मुल्क में इस किस्म के लोग अभी भी हैं जो इस्लाम को जानते हैं और हक़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, जिसको देख कर एक दिली इत्मीनान होता है। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।